नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लोकसभा के बारे में और लोकसभा में मैंने बताया था कि उसका चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है और लोकसभा से ही प्रधानमंत्री क्यों बनता है। अर्थात हम ये भी बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो जो भी लोकसभा के वीडियो को नहीं देखे हैं, हमारे पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, आखिर क्या होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपसे कोई भी तरह का सवाल मिस ना हो। देखिए, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी राष्ट्रपति जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, जिनका की कुर्सी एक मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता, तो उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होंगे और उस मंत्री परिषद का हेड होगा यानी प्रमुख होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। यानी मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, अगला है टॉपिक, प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होनी चाहिए। इसमें यह कहता है कि हमारे देश में जितने भी मंत्री परिषद होते हैं लोकसभा में, उसमें प्रधानमंत्री लेकर के और कुल परसेंटेज का 15% ही होना चाहिए। जबकि सभी राज्यों में यही नियम लागू है, वहां भी राज्य मंत्री जो बनते हैं वहां के विधानमंडल में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसका 15% होता है मंत्री परिषद में। लेकिन अपवाद में एक दिल्ली है जहां पर मात्र 10% ही मंत्री परिषद बनते हैं। आगे टॉपिक में कहता है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यहां लिखा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। यानी प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे वही राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवा सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मंत्री परिषद के बारे में। तो देखिए, यहां मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि सदन में दो होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को वृद्धों का सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यह आर्टिकल 75 के 5 में कहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लोकसभा का सदस्य प्राप्त है फिर भी बन सकते हैं, या राज्यसभा के सदन से आप जीत हासिल किए तो भी बन सकते हैं। अर्थात सदन के किसी भी सदस्य का होना जरूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और अगर यदि प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं और किसी भी सदन का नेता नहीं है, अर्थात लोकसभा का या राज्यसभा का, तो आप बन सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके लिए एक शर्त होगी कि 6 महीना के अंदर आपको वो सदस्यता हासिल करनी होगी, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। इंदिरा गांधी जब पीएम बन रही थी तो उस समय वो लोकसभा सदस्य से नहीं थी, राज्यसभा का सदस्य थी। तो आप किसी से भी पीएम बन सकते हैं, आप लोकसभा में जीत पाए उससे भी ठीक है या राज्यसभा में भी। एचडी देवगौड़ा जब बन रहे थे तो वो विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर 6 महीना के बाद वो लोकसभा हासिल किए थे। इस तरह से ये नियम कहता है कि 6 महीना के अंदर आपको उपचुनाव करा के और वहां आपको सदस्यता दिखानी पड़ती है पीएम बनने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, मंत्री परिषद 3 प्रकार के होते हैं।
मंत्रिपरिषद तीन प्रकार के होते हैं, एक है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा से ही बनते हैं। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र याहूत करने एवं सत्रावसन करने संबंधी परामर्श देता है। सदन के जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण और भी जो टॉपिक हैं। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि लोकसभा एक यह स्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है और इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है। अब बात करते हैं कि कितने अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब लोकसभा कितने आर्टिकल में है, तो एक ट्रिक है सरला। आर्टिकल 79 सा से संसद, रा से राज्यसभा, आर्टिकल 80 और ला से लोकसभा, ये आर्टिकल 81। इस ट्रिक के माध्यम से संसद का गठन, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में है प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। प्रधानमंत्री तो बहुत बने हमारे देश में और बनते रहेंगे, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका कार्यकाल बहुत ही लंबा रहा, लगभग 17 वर्ष, जो देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन, यानी दिन में हम लोग गिनती करेंगे तो हो जाएगा 16 वर्ष 286 दिन टोटल इनका कार्यकाल रहा, 16 वर्ष 286 दिन। अगर दीदी पूछे कि दिल्ली के लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडोत्तोलन किसने किए, तो यहां हम बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ये 17 बार, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली के लाल किला पर 17 बार झंडोत्तोलन किए हैं, 17 बार झंडे को फहराए हैं। और सेकेंड में पूछे तो इसकी बेटी का नाम है इंदिरा गांधी, ये कुल मिला के 16 बार, ये भी 16 बार झंडोत्तोलन किए। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे में झंडोत्तोलन कौन करते हैं और इंडिपेंडेंस डे में कौन करते हैं, तो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री, और एक होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, तब 15 अगस्त यहां देखिए पास से 15, पास से प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे 15 अगस्त को। अब बच गया 26 जनवरी, तो 26 जनवरी का झंडोत्तोलन करेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि इनका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा था, तो इनका कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये मैंने चर्चा किया कि ये भी जो 116 बार झंडोत्तोलन किए, लगभग 16 साल ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर रही है, लेकिन नीचे लिखा है वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। ये कहने का मतलब यह हुआ कि ये 16 साल तक लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रही, एक बार रही उसके बाद फिर से एक अलग टाइम में रही, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही टाइम में 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन यानी 16 वर्ष 286 दिन तक रहे थे। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में। हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के बारे में तो देखा, लेकिन ये दो अलग अलग अवधियों में रही थी लगभग 16 साल, 24/1/1996 से 24/3/1977 तक, और फिर दूसरा अवधि इनका आता है 14/1/1980 से 31/10
1984 तक दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल और यह दिल्ली के लाल किले पर 16 बार झंडोत्तोलन की थी। अब देखते हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रधानमंत्री बनते वक्त ये जरूरी नहीं है कि हम लोकसभा के सदस्य हों। सदन के किसी भी सदस्य का नेता आप रह सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ये पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। अब और कुछ फैक्ट हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित हुए ही नहीं, अर्थात वो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए, तो वो प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह और इनका कार्यकाल 6 महीना के लगभग में रहा, 14 दिन कम ही, 28/7/1979 से 14/1/1980 तक। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसके अलावे और भी जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल के बारे में और उन्होंने क्या मुख्य मुख्य कार्य किया इनके बारे में। आपको हमारा काम और प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करें।